नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा का मुंबई में समापन हुआ। इस मौके पर राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम दिखाने को राजी नहीं है, चुनाव आयोग वीवीपैट की गिनती को राजी नहीं है। राहुल ने आगे ये भी कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर पूरे दम से लड़ रहा है। तो मुंबई की रैली में राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए, और ये तब जब बार बार इलेक्शन कमीशन कह रहा है, शायरी के जरिए यह बताया जा रहा है कि आप दूसरे का आरोप मुझ पर मत मढ़िए। लेकिन बावजूद इसके विपक्षी, सबसे बड़े विपक्षी नेता राहुल गांधी फिर से ईवीएम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, और चुनावों से पहले। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ साझा रैली की और कहा कि एनडीए 4 जून को 400 पार करेगी। कल ही देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है, और आज मैं आप सबके बीच आंध्र प्रदेश में हूं। यहां मुझे कोटप कोंडा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार।